तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आज सारी बातें हम उसी के बारे में करेंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यदि करनी चाहिए तो किस प्रकार से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है और नहीं करनी है तो किस कारण नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाला हूं कि आप एक स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, आप एक स्मार्ट मैन्युफैक्चर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये सारी बातें हम करेंगे। यदि दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं और दोस्तों आपको कोई भी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, आपको कहां से माल लेना है, किस प्रकार से आपको करना है, तो दोस्तों आपको ये नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दोस्तों आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका पैसा है दोस्तों वो पैसा डूब जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे झंझटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों कई प्रकार के लाइसेंस होते हैं, सारे लाइसेंस हमको बनवाने पड़ते हैं। दोस्तों फायर ब्रिगेड की NOC हो गई, इनकम टैक्स की परमिशन हो गई, बहुत सारे दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे लेटर बनते हैं जब जाके कहीं हमारा एक सेटलमेंट सेट हो पाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो स्मार्ट मैन्युफैक्चर कैसे आप बन सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को यदि दोस्तों आप करते हैं तो इसके लिए दोस्तों ना ही तो आपको किसी कारीगर की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, दोस्तों आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी है और दोस्तों आप एक बहुत बड़े स्मार्ट मैन्युफैक्चर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आज मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, आपको अपने खुद के ब्रांड का ओनर बना दूंगा कि आप अपने खुद के ब्रांड के ओनर कैसे बनेंगे। ये ज्ञान दोस्तों मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इस ज्ञान की दोस्तों आप कदर करना, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में फ्री के ज्ञान की कोई भी कदर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप एक बहुत बड़े स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ बदले, आपकी जिंदगी बदले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो चलिए दोस्तों देर ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जैसे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या जूते की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे आइटम है, जो भी मतलब आप प्रोडक्ट सोच रहे हैं उसी प्रोडक्ट से दोस्तों आप इसको रिलेट कर लेना जानकारी को। जैसे कि दोस्तों मैं आपको जूते का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आप जूते की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जूते की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सिलाई वाली मशीन चाहिए, उसका सोल चाहिए, पैकिंग के लिए डिब्बे चाहिए, इस प्रकार से दोस्तों आपको बहुत सारे आइटम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक तो आपको एक बिल्डिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें दोस्तों आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, आपको लेबर भी लेके आनी पड़ेगी, कारीगर भी लेके आनी पड़ेगी, इस प्रकार से दोस्तों आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। आपको अपने ब्रांड के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपने नाम का ब्रांड भी आपको सोचना है। जब दोस्तों ये सारी व्यवस्था आप कर लेते हैं तब जाके आपका एक जूता तैयार होता है। लेकिन दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपको ना करके आपको अपने खुद का ब्रांड का जूता कैसे तैयार करवाना है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने एक शब्द का नाम सुना होगा जोबर, जोबर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो कि तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो जोबर पे काम करती है, उनका दोस्तों खुद का ब्रांड नहीं होता है या ब्रांड होता है तो दोस्तों उनकी सप्लाई रुक जाती है या उनके पास ऑर्डर नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, दोस्तों जो भी कंपनियां होती हैं उनको तो आगे कंटिन्यू काम करना होता है, तो दोस्तों उनको पूरे महीने का काम चाहिए या पूरे हफ्ते का काम चाहिए या पूरे साल का काम चाहिए। दोस्तों वो कंपनी यदि बंद रहेंगी और जो भी कंपनी का ओनर रहेगा दोस्तों उसको बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होती है दोस्तों, जब कंपनी के पास या तो कंपनी के ब्रांड की सप्लाई रुक जाती है या उसके पास ऑर्डर नहीं होता है या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 100% जो वर्क पे ही काम करती हैं, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि मुझे अपना काम और आगे बढ़ाना है, बड़ा काम करना है, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जॉब वर्क करती हैं। आप इस प्रकार की कंपनियों से कॉन्टैक्ट करेंगे जो जॉब वर्क पे काम करती हैं, तो दोस्तों आपको आपके ब्रांड का माल तैयार करके वो कंपनियां देती हैं, पूरा जॉब वर्क पे काम करके दे देते हैं, जो भी आप अपने ब्रांड बनवाना चाहते हैं इस प्रकार की कंपनियां दोस्तों आपके ब्रांड का जूता बना के तैयार कर देती हैं। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप बनवाते हैं तो दोस्तों वह जूता आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। यदि दोस्तों आपको लगता है कि मैं 1000 जूते बेच पाऊंगा या 2000 जूते बेच पाऊंगा तो दोस्तों आप 1000 या 2000 का ऑर्डर इस प्रकार की कंपनी से अपने ब्रांड का बनवा सकते हैं। अब दोस्तों आपका मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई भी दिमाग नहीं लगा है, अब दोस्तों आपको अपना दिमाग लगाना है उनको सेल करने में, मार्केटिंग करने में। दोस्तों आप अपना पूरे का पूरा दिमाग मार्केटिंग में लगाएंगे तो दोस्तों आप और भी अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी टेंशन नहीं है कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहां से माल लेके आना है, लेबर की कैसे व्यवस्था करनी है, आपको दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मार्केटिंग में ही दिमाग अपना पूरा लगाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप करेंगे तो आप मार्केट के अंदर जाएंगे, अपना सैंपल दिखाएंगे, फैक्ट्रियों से संपर्क करेंगे, इस प्रकार से जब दोस्तों आप करेंगे, जब दोस्तों आपका सैंपल लोगों को पसंद आएगा तो दोस्तों आपको ऑर्डर मिलेंगे, एक फैक्ट्री में पसंद होगा दोस्तों आपका, दो फैक्ट्री में पसंद हुआ, तीन फैक्ट्री में पसंद हुआ, चार फैक्ट्री में पसंद हुआ, और दोस्तों आपके पास 3-4 ऑर्डर हो जाते हैं और दोस्तों आपने जो माल अपना पहले बनवाया था वो माल भी दोस्तों आपने बेच दिया है, तो दोस्तों आप दोबारा से फिर माल तैयार कराएंगे और दोस्तों जिस भी कंपनी से आप अपने ब्रांड का माल बनवा रहे हैं उस कंपनी को ऑर्डर देंगे कि ये आप मेरा इतना ऑर्डर बना दिए, तो दोस्तों वो कंपनी आपके ऑर्डर को तैयार कर देगी, फिर दोबारा से आप दोस्तों उसको बेच सकते हैं। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे वह कंपनी आपका ही माल बनाने लगेगी। आपका ही माल क्यों बनाने लगेगी, क्योंकि दोस्तों आपका पूरा दिमाग सेलिंग करने पे है,
आपको मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ सेलिंग करते हैं। और दोस्तों आपको उस कंपनी से सारे रेट तय कर लेने हैं कि कटिंग का कितना है, पैकिंग का कितना है, सिलाई का कितना है, से दोस्तों आप सारे रेट अपने उस कंपनी से तय कर लें। आपको 1000 जूता चाहिए, 1000 का ऑर्डर दिया, ऑर्डर तैयार हुआ, आपने सेल कर दिया। 2000 जूते चाहिए, 2000 का ऑर्डर दिया, ऑर्डर तैयार हुआ, सेल कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों आपको करना है। तो आपको अपना कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल डलवा देना है, उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग की, ना कारीगर की, ना लेबर की, क्योंकि दोस्तों आपने सब फिक्स कर रखा है कि मैं सिलाई का इतना दूंगा, पैकिंग का इतना दूंगा, कटिंग का इतना दूंगा, सब दोस्तों आपने तय कर रखा है। और आप इस प्रकार से जो भी जॉब पे काम करती हैं कंपनी, उस कंपनी से आप अपने खुद के ब्रांड का जूता तैयार करवा रहे हैं और आप अपने सेल कर रहे हैं दोस्तों। आपको मैन्युफैक्चरिंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने नोटबुक बनवा सकते हैं, जींस बनवा सकते हैं, टी शर्ट बनवा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने खुद के ब्रांड की सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आपका प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट आप जॉब वाली कंपनी से बनवा के अपने खुद के ब्रांड से दोस्तों मार्केट के अंदर बेच सकते हैं दोस्तों। आप इस प्रकार से करेंगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपका दोस्तों इसमें पैसा भी नहीं फंसेगा और दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों आपको मार्जिन मिलेगा और दोस्तों आपकी कोई दिक्कत भी नहीं है ना। दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, जब दोस्तों आपका काम बहुत अच्छा चलने लगे तो दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जैसे कि इंडिया मार्ट होगा, एक्सपोर्ट इंडिया होगा, ट्रेड इंडिया होगा, इस प्रकार की वेबसाइटों पर भी दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। और दोस्तों तो आप इस प्रकार की वेबसाइटों पर प्रोडक्ट डाल देंगे तो दोस्तों आपको वहां से ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ऑर्डर को कैसे हैंडल करना है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जब आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लगेंगे तो दोस्तों आपको उन ऑर्डर को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से दोस्तों आपको उनको माल देना है, किस प्रकार से दोस्तों आपको माल अपना बनवाना है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, जब दोस्तों आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लगेंगे तो दोस्तों उसके साथ आपको एडवांस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको एडवांस नहीं मिलेगा। जब दोस्तों आपके पास जीएसटी नंबर होगा, आपके खुद का ब्रांड होगा, ट्रेडमार्क होगा, तो दोस्तों आपको एडवांस भी जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एडवांस नहीं मिलेगा। मैं बता दूं आपको, जब दोस्तों आप एक ही कंपनी से बहुत ज्यादा काम कराते हैं तो दोस्तों वह कंपनी आपको क्रेडिट देना भी स्टार्ट कर देती है दोस्तों। बात को बहुत ज्यादा सावधानी से समझने की आवश्यकता है कि जो आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। आपको कंपनी भी उधार देना स्टार्ट कर दिया है और दोस्तों आपको जब ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहा है तो दोस्तों उधर से आपको एडवांस मिल रहा है, तो दोस्तों आपका डबल फायदा है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करिए आपको 1 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यदि दोस्तों आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो दोस्तों क्या आप उस ऑर्डर को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास इतना पैसा नहीं है। यदि 1 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो दोस्तों कम से कम आपको 75 लाख रुपए उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए दोस्तों। जबकि आपने शुरू स्टार्टिंग में ही मैन्युफैक्चरिंग की है, आपके दोस्तों आपके पास दोस्तों इतना पैसा नहीं है जो आप उस ऑर्डर को कंप्लीट कर पाइए, तो यही उल्टा हो जाए। यानी कि दोस्तों आप किसी कंपनी से अपना सामान बनवाते हैं या जूता बनवा रहे हैं या कोई और भी प्रकार का आइटम बनवा रहे हैं दोस्तों, जब आपका दोस्तों जब आपको 1 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो दोस्तों आपके उस कंपनी से बहुत अच्छे संबंध है, वह कंपनी आपको उधार भी देती है 1 महीने का, 2 महीने का। दोस्तों आप जो भी आपको ऑर्डर मिला है दोस्तों उस कंपनी से आप बनवा सकते हैं बिना पैसा खर्च करे दोस्तों, आप उस कंपनी से अपना ऑर्डर बनवा सकते हैं और दोस्तों उधर आपको एडवांस मिल जाता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस नहीं मिलेगा और दोस्तों वह कंपनी से अपना ऑर्डर कंप्लीट करा के जहां से भी आपको ऑर्डर मिलता है वहां पे आप अपना ऑर्डर प्रोवाइड करा देंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको चाहे 1 करोड़ का ऑर्डर मिलो, चाहे 5 करोड़ का ऑर्डर मिलो, चाहे 20 करोड़ का ऑर्डर मिलो, दोस्तों आप पूरे ऑर्डर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपका इस ऑर्डर में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, सारा कंपनी का पैसा इन्वेस्ट होता है। बस दोस्तों आपको उधर से ऑर्डर लेके कंपनी से ऑर्डर कंप्लीट करा के आपको ऑर्डर कंप्लीट कर देना है दोस्तों। यही उल्टा हो जाए कि आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं तो दोस्तों आपको 10 लाख का ऑर्डर भी मिलता है तो दोस्तों आपको 10 लाख के ऑर्डर को कंप्लीट करने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों शुरू स्टार्टिंग में आपके पास इतना पैसा है ही नहीं जो आप इतने छोटे छोटे ऑर्डर को भी कंप्लीट कर पाए, क्योंकि दोस्तों आपको कंपनी लगाने में ही बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चर बनना है दोस्तों। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अपने खुद के रॉ मटेरियल से अपने खुद का ब्रांड बनवा सकते हैं किसी भी जॉब वर्क वाली कंपनी से। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 100% जॉब वर्क पर ही काम करती हैं, उनके खुद का ब्रांड नहीं होता है, जो उनको ऑर्डर मिलता है उसके ब्रांड का वो प्रोडक्ट बना देती हैं। यदि दोस्तों आप इस प्रकार से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दोस्तों आपको टेंशन 0% रहेगी और 100% प्रॉफिट आपको मिलने ही मिलना है। और एक बात और बता दूं आपको, इसे आपका मार्जिन दोस्तों बढ़ जाता है। मार्जिन क्यों बढ़ जाता है? आप किसी से डायरेक्ट माल खरीदते हैं तो दोस्तों वह माल आपको महंगा पड़ेगा, इस प्रकार से आप जब किसी कंपनी से जॉब वर्क पर काम कराते हैं तो दोस्तों वह प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ता है। आपने कोई जूता 300 रुपए का खरीदा और दोस्तों इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो दोस्तों वह जूता आपको 250 रुपए में पड़ेगा और दोस्तों आप उसको 275 रुपए में बहुत आसान तरीके से बेच सकते हैं और दोस्तों आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होने लगेगा। तो इसमें आपके पास अपने खुद का ब्रांड भी है, लिबर्टी भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करनी है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो दोस्तों स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में बहुत लोग स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट वो मार्केट के अंदर कमा पाते हैं दोस्तों। वह जूता हो, गारमेंट्स के आइटम हो, टी शर्ट हो, अगरबत्ती हो, नोटबुक हो, किसी भी कुछ भी हो चाहे दोस्तों, आप अपने खुद का ब्रांड बनवा सकते हैं जो वर्क वाली कंपनियों से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप प्रकार से यदि दोस्तों आप करते हैं तो दोस्तों ना ही तो आपको लेबर का खर्च देना है, ना ही आपको बिजली का बिल देना है, ना ही रेंट देना है, तो दोस्तों
बहुत सारे इस प्रकार के खर्चे होते हैं जिससे कि आप सारे खर्चों से नो टेंशन रहेंगे। दोस्तों आपको जो वर्क का खर्च देना है, जो भी कंपनी से आपका तय हो जाता है, बस वही खर्चा आपको देना है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप स्मार्ट तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आप स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं, ना ही आपको बिजली का बिल देना है, ना ही आपको रेंट देना है, ना ही आपको लेबर का खर्च देना है। जो भी इस प्रकार के खर्च होते हैं आपको किसी भी प्रकार का खर्च नहीं देना। यदि आप ये भी टेंशन नहीं है कि लेबर भाग जाएगी, कारीगर भाग जाएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों आप नो टेंशन रहें, स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करें। और यदि दोस्तों यहीं आपका कारखाना होता तो ये सारी टेंशन आपकी बढ़ जाती है। यदि दोस्तों आपके पास ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको ऑर्डर की टेंशन, लेबर की टेंशन, बिजली के खर्च की टेंशन, इस प्रकार के खर्चे दोस्तों आपको भरने पड़ेंगे। दोस्तों आपका काम बंद पड़ा है तो दोस्तों इस प्रकार के खर्चे आपको बिना फालतू के भरने पड़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मशीन खरीदने की मत सोचो, कारखाने की मत सोचो, शुरू स्टार्टिंग में दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है जिस प्रकार से मैंने बताया है कि आप स्मार्ट तरीके से कैसे आप जो वर्क पे किसी भी कंपनी से अपने प्रोडक्ट कैसे तैयार करवाना है। बस दोस्तों आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। अमेरिका दोस्तों क्यों आ गया, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराता है और अपने खुद के ब्रांड का लोगो लगा के मार्केट के अंदर बेच देता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि आईफोन के बहुत सारे पार्ट्स चाइना से बन के आते हैं और दोस्तों उस पर वो मेड इन अमेरिका लिख के और मार्केट के अंदर बेच देता है, या मेड इन चाइना भी रहने देता है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों अमेरिका स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अमेरिका स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्मार्ट तरीके से बिजनेस करता है, दूसरे देशों से प्रोडक्ट तैयार करके और दोस्तों अपने खुद के ब्रांड का लोगो लगा के मार्केट के अंदर बेच देता है। ना ही अमेरिका को किसी फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ी, ना ही किसी कंपनी की आवश्यकता पड़ी, ना ही उसकी देश में कचरा फैला। बस जो वर्क कोई प्रोडक्ट को तैयार कराया, अपने खुद के ब्रांड का लोगो लगा के मार्केट के अंदर बेच दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्मार्ट तरीके से बिजनेस करो। जो भी मैंने आपको तरीका बताया, ये स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बताया, कि दोस्तों आप इस प्रकार से कर पाएंगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि आपको कंपनियां उधार देना स्टार्ट कर देंगी, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कंपनियां हमको उधार देना क्यों स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि आपके पास बड़े बड़े ऑर्डर हैं, आप कंटिन्यू ऑर्डर लेके आते हैं दोस्तों, कि दोस्तों उस कंपनी को ये डर रहता है कि आपको कोई और कंपनी खींच के ना ले जाए, जिससे कि उस कंपनी का नुकसान हो जाए और आप किसी दूसरी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लें दोस्तों, उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों वह कंपनी आपको उधार देना भी स्टार्ट कर देती है। दोस्तों उस कंपनी को यही डर रहता है कि आपको कोई दूसरी कंपनी ना पकड़ लें, जिससे कि उस कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानकारी थी कि आप कैसे स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने के दो ही तरीके हैं, एक तो आप अपना खुद का कारखाना लगा के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, दूसरा आप स्मार्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, जो वर्क पे अपना प्रोडक्ट बनवा के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोस्तों डिपेंड आप पे करता है कि आप स्मार्ट तरीके की मैन्युफैक्चरिंग को अपनाना चाहते हैं या अपने खुद के कारखाने को अपनाना चाहते हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने बताई, जानकारी दोस्तों कैसी लगी जानकारी में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जाते जाते आपसे एक गुजारिश, यदि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को इस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है। हो सकता है वो कोई आपका अड़ोसी हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है या है कि हमको अपना कारखाना खोलना है, तो दोस्तों इस वीडियो को इस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दें। ये आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों यही सब जानकारी बतानी थी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करने का काम कर दें। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो तक बिता जाता हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।